नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स जो बीबीए करना चाहते हैं आफ्टर द क्लास ट्वेल्थ और दिल्ली के अंदर कन्फ्यूज रहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या फिर आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फी स्ट्रक्चर के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में डिटेल्ड कंपैरिजन आज इस वीडियो में होने वाला है। बहुत ही मेहनत से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। अगर कोई बाय मिस्टेक ऐसा कुछ स्टेट्स आ जाता है तो इग्नोर कर देना, कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर लेंगे उस चीज़ को। बाकी आप लास्ट तक वीडियो को सुनना एंड बहुत अच्छे से सुनना क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। सो फ्रेंड, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लेफ्ट सेक्शन आपको दिख रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, राइट सेक्शन है आईपी यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। एक ये स्पेशलाइजेशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। इसके अलावा बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग कोर्स हो जाएगा, इसलिए हम उसकी यहां पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मैनेजमेंट कोर्सेज की बात कर रहे हैं। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में देखते हैं तो यहां पे आपको बीबीए जनरल करने को मिल रहा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। यहाँ पे दो आपको स्पेशलाइजेशन करने को मिल रही है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर एंड कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। तो ये बेसिकली होता है बीबीएन आईटी। इसके बाद हम मूव करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्लास ट्वेल्थ के अंदर 60% मार्क्स का होना कंपल्सरी है, ठीक है, और साथ ही साथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आपके पास क्लास ट्वेल्थ में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो ऑडियंस है यहाँ पे थोड़ी डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे बस वही बच्चे रह जाते हैं जो बच्चे मैथ्स वाले हैं जिनके पास इंग्लिश भी है। तो बेसिकली बात करें तो कॉमर्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का कंपलसरी होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश या फिर किसी भी स्ट्रीम से आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है वो है 50% की। यही एक प्लस पॉइंट रहता है आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के अंदर जो थोड़ा इसको और ईजी कर देता है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी बिलो द एज ऑफ 21 एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज लिमिट का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कैसे होता है। एंट्रेंस टेस्ट स्कोर लेते हैं इसके अंदर 65% एंड क्लास ट्वेल्थ का स्कोर लेते हैं 35%, जिसको कंबाइन करके आपका स्कोर बनता है। अब यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट का नाम है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। अब देखो, सुनने में तो आ रहा है कि CUCT हो जाएगा, तो CUCT का मेरे यहाँ तक ख्याल है कि ड्यू जेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्रोसेस वही चल रहा है जिसके लिए CUCT इम्प्लीमेंट होने आ रहा है कि मेरिट सिस्टम को खत्म किया जाए। और यहां पे आप देख सकते हो कि मेरिट सिस्टम को यहां पे इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है और एंट्रेंस एग्जाम को भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो ड्यू जेट पे इतना इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर आएगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी तक इसके लिए कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो अभी तक के लिए जो क्राइटेरिया है वो है एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर आपका 65% एंड क्लास ट्वेल्थ का 35% का कंबाइन करके आपका एडमिशन होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आईपी यूनिवर्सिटी का आप देखते हैं तो यहाँ पे टोटली आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता है। इसके अलावा 50% आपके जो यहाँ पे मार्क्स देख रहे हो आप, ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी के लिए, यहाँ पे मेरिट का कोई भी रोल नहीं है। 85% यहाँ पे दिल्ली स्टूडेंट को रिजर्वेशन मिलता है एंड आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट यहाँ पे 15% अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम को कंपेयर करते हैं थोड़ा सा, तो एंट्रेंस एग्जाम का कुछ सेक्शन ऐसे देखने को मिलेगा आपको। 100 questions आते हैं जो NTA के थ्रू कंडक्ट कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स, ये 5 sections आपसे DUJET के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते हैं सिलेबस, तो वहाँ पर आपको ये 5th section जो मैथमेटिक्स का है ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप देखो कि लास्ट प्रीवियस 3 years के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स भी पूछी जा रही है। इसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन है। तो ये दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखते हो तो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, एक बिजनेस एप्टीट्यूड का एंड बिजनेस एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन का, एंड प्लस यहां पे मैथमेटिक्स का कोई भी रोल नहीं है। तो थोड़ा ईजी हो जाता है आईपी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम इन कंपैरिजन टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप जाते हैं मैं बीबीए के लिए तैयारी करूं, ड्यूजेट में भी अप्लाई करूं और आईपी में भी अप्लाई करूं, तो आप लोगों के लिए हमने काफ़ी अच्छा स्पेशलाइज्ड कोर्स भी बनाया है जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे एंड कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। तो आप चाहे तो हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जाम के बारे में। तो डीयू जेट का जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन होता है एंड 2020 से आईपी यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम ऑनलाइन हो गया है। पहले ही ओएमआर शीट पे ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन होता है। फी स्ट्रक्चर का अगर कंपेरिजन करें, सबसे जो प्लस पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड आईपी यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो दोनों के बीच में फी स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। अगर हम इसके फी स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 14K टू 26K पर ईयर की फीस है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो मैंने हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि फिर उसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम एक जनरल आइडिया लेके चल रहे हैं, जनरल स्टूडेंट की कैटेगरी के लिए ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको 14,000 से लेके 26,000 पर ईयर रहता है। वहीं अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरे से थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 40 केसेस आपका स्टार्ट होता है पर ईयर एंड 1 लाख तक जाता है, तो यहाँ पे आप 1 मार्क कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक चलता है। तो 1 लाख पर एनम तक का फी स्ट्रक्चर आपको आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर मेन कैंपस में बीबीए कोर्स नहीं होता, आईपी यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर बीबीए कोर्स ऑफर किया जाता है, तो वो एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटीज एंड यू नो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ा बहुत फी स्ट्रक्चर ऊपर नीचे हो जाता है। तो 40K स्टार्ट है एंड 1 लाख पर ईयर तक जाता है, वो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड करता है। 40 की जो फीस है आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, इससे आपको 40K पर एनम का रहता है फी स्ट्रक्चर। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 6 कॉलेजेस हैं जो बीएमएस एंड बीबीए कोर्स कराते हैं। एंड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की बात करें अगर हम आईपी यूनिवर्सिटी में, तो लिस्ट शायद मेरे पीसी में डिस्प्ले पे देखने को भी आपको नहीं आएगी क्योंकि अराउंड 42 कॉलेजेस हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस के नाम लिखे हैं एंड दूसरी तरफ मैंने कुछ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टोटल कॉलेजेस हैं उनके नाम लिखे हैं। तो आर्यभट्ट कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, रामलाल आनंद कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। तो यहाँ पे जो 6 नंबर के एंड 5th नंबर का कॉलेज आप देख रहे हो, ये टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बीएमएस कराते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने 58+58 लिखा है, दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन दी कॉलेज। नीचे शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर सबसे मैक्सिमम सीट्स अवेलेबल है 232 एंड 113। अब ये 113 जो सीट्स हैं ये है बैचलर ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसके लिए। एंड जो शहीद सुख राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन है इसके अंदर भी 58 सीट्स हैं बीबीए एफआईए के लिए। तो सिर्फ ये 2 कॉलेज है जिसके अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करने को मिलेगी, बाकी के 4 कॉलेजेस के अंदर और इनके अंदर जनरल बीएमएस अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी 696। नेशनल लेवल पे यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपना एडमिशन कराने के लिए। अब मैं आपको रीजन भी दूंगा क्यों इतना फाइट रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, वो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टॉप कॉलेज का नाम यहाँ पे लिखा है, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जनकपुरी में है, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोहिणी, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रोहिणी, जिम्स रोहिणी एंड जिम्स का एक और ब्रांच है वसंत कुंज में, कालकाजी में भी है एंड योर जिम्स ग्रेटर नोएडा भी एक इनका कैंपस है, भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, आईआईटीएम जनकपुरी। तो ये मैंने रैंडमली 6 कॉलेजेस के नाम लिखे हैं इसके जो मेन फीचर्ड कॉलेजेस रहते हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप पूरी कंप्लीट लिस्ट ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेजेस देख सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए आपके लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके लिए यहाँ पे गैदर की है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो वो 7,695 के अप्रॉक्सीमेटली, ये मैंने खुद से कैलकुलेट करा था 7,695। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सीट्स ज़्यादा है आईपी यूनिवर्सिटी में, इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी अच्छी खासी आती है एंड थोड़ा ईजी रहता है, इस वजह से स्टूडेंट यहाँ पे प्रेफरेंस अपनी रख देते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपके 90% मार्क्स हैं और आपकी प्रायोरिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, देन यू हैव अ गुड चांस टू गेट एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक तो मेरिट भी प्लस पॉइंट में आ गई, और अगर आप एंट्रेंस अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपका और स्ट्रांग हो जाएगा एडमिशन लेने का जो चांसेस है। जो स्टूडेंट 80-60% की रेंज में आते हैं उनको फाइट करना होता है थोड़ा और अच्छे से अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होती है ताकि वो ऊपर की रैंकिंग में जा सके। लेकिन आईबी यूनिवर्सिटी में मेरिट का कोई सीन ही नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से एफर्ट दे दोगे अपने एंट्रेंस एग्जाम में तो देन यू कैन ईजिली गेट दी टॉप कॉलेज इन आईपी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, जैसे कि आप देखोगे महाराजा सूरजमल की अगर कट ऑफ देखते हो तो मैक्सिमम जो कट ऑफ जाती है 132 या फिर 232 इतनी इनकी कट ऑफ जाती है। तो बहुत अच्छा कंपटीशन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कंपटीशन हर जगह होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप तैयारी किस लेवल पर कर रहे हो अपने। अगर आपको बेस्ट चाहिए तो यू हैव टू बी बेस्ट फर्स्ट। अब हम इसके बाद बात करते हैं हाईएस्ट सैलरी पैकेज के बारे में, जो सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्लाई क्यों करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स है बहुत अच्छी मिलती है। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं प्लेसमेंट के बारे में मैंने कितना डिटेल में लिखा है, क्योंकि इन्होंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है अबाउट द प्लेसमेंट, दैट इज़ फ्रॉम द शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उनके ब्रोशर में ये साफ साफ मेंशन है। उनका हाईएस्ट सैलरी पैकेज 18 लाख पर एनम गया है। एवरेज पैकेज वहाँ पे जो जाता है वो है 7.03 लाख पर एनम, एंड टॉप 100 स्टूडेंट्स का अगर वो एवरेज लेंगे अपना तो 8.7 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज आता ही आता है। अब 26,000 फीस है, इंटू 3 कर दोगे तो अराउंड हो जाता है ये 60,000 या 70,000 फॉर द कंप्लीट कोर्स हो जाता है, और उसके रिटर्न में आपको 18 लाख पर एनम का प्लेसमेंट मिल रहा है। तो आप सोचो किस लेवल पे हैं यहाँ पे स्टडीज एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके बाद हम बात करते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को इनकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसमेंट्स नहीं मिली। वहाँ पे बस ये मेंशन था कि कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है, कितने स्टूडेंट को किस कंपनी ने प्लेसमेंट दी है। तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो 4-7.03 लाख पर एनम आता है। अब यहाँ पे ध्यान इस बात का रखना कि मैंने यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी पैकेज मेंशन नहीं करा है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट ने मेंशन नहीं करा था। तो यहाँ पे आप कुछ भी हो सकता है हाईएस्ट सैलरी पैकेज, आप देखें तो 10 लाख भी हो सकता है, 12 लाख भी हो सकता है, 13 लाख भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू ऑफ द कॉलेज, और इसके बाद डिपेंड करता है आपके स्कोर के बेसिस पे कि आपने 6 सेमेस्टर्स के अंदर कितनी मेहनत करी है। ये वो चीज़ नहीं है कि आपने लास्ट डे एग्जाम दिया और आप पास हो गए। यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए यू हैव टू बी गुड, आपकी अटेंडेंस, आपकी जो ओवरऑल मार्किंग है कैसी रही है, सब कुछ मैटर करता है। तो फ्रेंड ये था डिटेल एनालिसिस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों के कोर्स के बीच में, मैंने अभी आपको डिफरेंशिएट करके बताया है। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएमएस कोर्स के लिए आप अप्लाई करो। अगर आपके पास मैथ्स है तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड अगेन मैं बोलूँगा अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी, अगर आपके पास मैथ्स है भी तो भी आप आईपी यूनिवर्सिटी को सेकेंडरी ऑप्शन ज़रूर लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, यहाँ पे भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो दिल्ली के अंदर मेट्रो सिटी है, स्टडी फैसिलिटीज एंड यू नो एनवायरनमेंट इज वेरी गुड। सो फ्रेंड्स होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।